अयोध्या पहुंचे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का बयान, कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन पर बोले स्वास्थ्य मंत्री। कहा, जो सूचनाएं पिछले एक महीने से आ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में पूरी तैयारी है। प्रदेश में लग चुके हैं 550 ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, मैन पावर व पीडियाट्रिक आईसीयू की सारी चीजें पिछले एक महीने के अंदर मॉक ड्रिल के माध्यम से लगातार हो रही है चेक। तीसरी लहर में मरीजों को भर्ती करने की नौबत आती है तो कम से कम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार रहे। प्रतिदिन 2 लाख हो रही है कोरोना जांच। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, भीड़ भाड़ वाला इलाका, ठेले वाले, हर जगह लोगों की हो रही चेकिंग। 12 से 15 लाख प्रतिदिन हो रहा वैक्सीनेशन। पिछली कोरोना की लहर में प्रदेश में 2 लाख बेड की हुई थी व्यवस्था। इस समय 1,55,000 बेड तैयार है। जहां वेंटिलेटर की जरूरत है वहां लगाया जा रहा है, ऑक्सीजन प्लांट तैयार है। जयप्रताप सिंह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह आज मेडिकल कॉलेज में आयोजित गुरु गोरक्षनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के कार्यक्रम में शिरकत करने अयोध्या पहुंचे थे। तीसरी लहर की जो सूचनाएं हम लोग को पिछले एक महीना से आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, WHO के माध्यम से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से, जब से ओमिक्रॉन के केसेस पूरे विश्व में निकलने लगा तभी से भारत में और उत्तर प्रदेश में हम लोग ने अपनी पूरी तैयारी पुनः वो कर लिया था। और सारे हमारे जो 550 ऑक्सीजन प्लांट्स जो हमारे जेनेटिंग प्लांट लगे हुए हैं, उनके साथ उनके वेंटिलेटर, उनके मैन पावर, पीडियाट्रिक आईसीयू, ये सारी चीज़ें हम लोग ने पिछले एक महीने के अंदर मॉक ड्रिल के माध्यम से लगातार इसका चेकिंग करना, इसका टेस्ट करना, ताकि तीसरे फेज में अगर कहीं भी हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होगी तो ये कम से कम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। इसके साथ में हम 2 लाख प्रतिदिन का हम टेस्टिंग करते हैं RT-PCR और RAT, और इसमें बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से लेके भीड़ भाड़ इलाका में, गांव में, ठेले वालों का, फुटपाथ पर, हर जगह हम लोग इस तरह का टारगेटेड और फोकस टेस्टिंग कर रहे हैं। साथ में वैक्सीनेशन भी हमारा 12 से 15 लाख का प्रतिदिन का वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज मिला के हम लोग लगे हुए हैं। इसको बढ़ा के हम 20 लाख करेंगे। हर स्तर से हमारा प्रबंधकीय व्यवस्था जो पहले 2020 और 21 में था, और हमारे जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर हर जनपद में था, उनको सक्रिय करते हुए और उनसे जुड़े हुए हमारे रैपिड रिस्पॉन्स टीम, निगरानी समिति, ये सब को हम लोग ने सक्रिय कर दिया है। कोई भी सूचना, कोई भी बाहर से दूसरे प्रदेश से आता है गांव में या शहर में, उसकी सूचना हम लोग को प्राप्त होता है, उसका टेस्ट कराना, उसका जीनोम सिक्वेंसिंग करना और उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके कंटेनमेंट आवश्यकता अनुसार करना, ये पूरी तैयारी के साथ उत्तर प्रदेश एकदम तैयार है। पहले थी, अब हमारे पास बीच में 2019 में हमारे पास लगभग 1200 डॉक्टर्स MBBS के आ चुके थे जो अलग अलग जगह पर पोस्ट हुए हैं। विशेषज्ञ की अलग केडर बना के हमने लोक सेवा आयोग से उनका विज्ञापन करके उनका भी हमारे पास लगभग 620 डॉक्टर्स हमारे सर्विस में विशेषज्ञ आ चुके हैं जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पोस्टिंग उनकी हो रही है। बाकी 400-500 का और आना है। तो इन नियुक्ति के कारण से और नए केडर बनाने से हमारे डॉक्टर्स की नियुक्ति अब सब जगह आ रहे हैं। सब धीरे धीरे उसको हम भरेंगे। सीटी स्कैन की व्यवस्था का देखी जाए तो 3 साल से सीटी स्कैन की व्यवस्था जो है जिला अस्पताल नहीं है, लोग परेशान होते हैं, उनको बाहर जाना पड़ता है। देखिए, जिला अस्पताल, अब हर जिला अस्पताल पर सीटी स्कैन लगना अनिवार्य है। इसके लिए ऑलरेडी उसका ऑर्डर भी चला गया। लगभग 57 जिलों में हमारा सीटी स्कैन लग चुका है, उसके साथ डिजिटल एक्सरे लग चुका है, और बाकी जो ज़िले हैं वो उनका मशीन अब आने वाला है। एक बात और ये है कि जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज हमारे खुल रहे हैं वहाँ पर जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज के अंडर ही नियुक्त हो जा रहा है, जो अपने आप ही व्यवस्था करके करेगी। बाकी हमारे जो भी सिटी स्कैन और डिजिटल एक्सरे जो हमारा बाकी रह गया है, डायलिसिस भी हमारा बाकी जो थोड़े 13 जनपद में बाकी है, वो सब हम लोग उसको कर रहे हैं। जल्दी की बात कर रहे हैं सर। हाँ, जिला चिकित्सा जैसे अब जहाँ मेडिकल कॉलेज खुलता है वहाँ जिला अस्पताल उसी में नियुक्त हो जाता है, हर जगह जहाँ पर हो रहा है, क्योंकि उनका अपना व्यवस्था नहीं तो हमारे हॉस्पिटल को चला के वो अपना चलाते हैं। लोगों का इलाज पे नहीं हो पा रहा, लोग परेशान रहते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगली खबर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए PRST न्यूज। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.prstnews.in।